हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 6 हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 3 है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का ले लेना है स्क्रीन शॉट एंड इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कि ये अप्रैल 2001 में आया, देन SYBF के एग्ज़ाम में भी आया, नवंबर 2017 में भी आया। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड चैप्टर से है, और इसका आंसर आप लोग के सामने ये है। ठीक है, तो इस आंसर को भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे होंगे आप में से जो कहेंगे कि हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो प्रोसेस कॉस्टिंग ही नहीं आता, हम कैसे सॉल्व करें। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे वीडियोस, जो कि मैंने 2-3 वीडियोस हैं जो कि मैंने सॉल्व कराए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर सॉल्व कराए हैं, डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस है, A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही इजी है, 15 मार्क्स आपके हाथ में। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए एंड तक एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। अगर आप वर्किंग है तो आप लोग के लिए ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड मोमेंट में देखिए कोई हेल्प नहीं करता, फुल एजुकेशन सपोर्ट आप लोग की हेल्प कर रहा है, आपका सपोर्ट चाहता है फुल एजुकेशन सपोर्ट। तो आप भी अपने फ्रेंड्स फुल एजुकेशन सपोर्ट के फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। और ये है प्रोसेस कॉस्टिंग का आंसर। देन आगे बढ़ते हैं गाइस, प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इस तरीके से आपका आंसर है, आशा करती हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस तरीके का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने है, प्रोडक्ट ए वाला जो कि, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कि ये जो क्वेश्चन है ये आया था नवंबर 2017 में, अक्टूबर 2014 में एंड अप्रैल 1999 में भी आ चुका है। इट मींस कि ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट वॉच दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। ये भी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटक से नोटबुक निकालिए एंड इसको सॉल्व करिएगा, बिकॉज कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग के सामने में ये क्वेश्चंस है जो कि दिखा दिया है मैंने। और प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट इज़ वेरी मस्ट। एंड तो इस तरीके से आपका आंसर है, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।